हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से सावन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सावन की ढेर सारी तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सावन आता है, साथ में तीज आता है। सावन के बाद फिर भादो आता है और भादो में भी तीज आता है। एक हरियाली तीज और एक हरितालिका तीज, ये दोनों तीज आती है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सावन में हरियाली तीज आती है और सावन का पूरा महीना खास तौर पर हाउसवाइफ हो, मैरिड वुमेन हो या फिर लड़कियाँ हो, सब लोग इंजॉय करते हैं। मेहंदी हो, श्रृंगार हो, हरी साड़ियाँ हो, हरे सूट हो, हरी चूड़ियाँ हो, हरा हरा मेकअप हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं सावन में, पूरे सावन में अपने घर पे जो सिंपल सा मेकअप यूज़ करती हूँ वो कैसे करती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माना कि मैं नई हूँ, गलतियाँ तो होंगी, आप लोग किस लिए हैं। तो जुड़िए मेरे साथ कनेक्ट होइए और मेरी गलतियों को धीरे धीरे करके इग्नोर कीजिए और मुझे अच्छी अच्छी बातें ज़रूर बताइए। मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी कमी लगे आप मुझे बेहिचक बताइए, मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी कि दूर कर सकूँ। और हाँ, ये शुरुआत है मेरा, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएंगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं इस पूरे सावन में किस तरह का मेकअप यूज़ करती हूँ और कैसे सिंपल से मेकअप से मैं अपना पूरा दिन निकालती हूँ। तो स्टार्ट करिए इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भी सबसे पहले मैं जो सबसे फर्स्ट यूज़ करती हूँ यहाँ पे वो ये है कि मैं अपने बालों को हेयर बैंड से पीछे कर लेती हूँ और फेस पे मेरा कोई भी मेकअप नहीं है। जस्ट मैं नहा करके फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना मेकअप। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा सबके पास होता है और सभी लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसे एज ए प्राइमर, एज ए बेस, आप जो भी कह सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं उस तरीके से। तो मैं सबसे पहले ये यूज़ करती हूँ। और आज का जो मेरा मेकअप है उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें होंगने वाली हैं, सिर्फ लिपस्टिक, लाइनर, काजल और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ काजल, और काजल मैं NYB का यूज़ करती हूँ। मुझे ये काजल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं पिछले 2 या 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ यही काजल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काजल मेरा कम्प्लीट हो गया है तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर अपना पिंक कलर का लिप लाइनर। और उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये क्रियोन है, NYB का पिंक शेड है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये वाला शेड। मेरे पास और भी शेड है तो मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अच्छे से अपना जो लिपस्टिक है वो सेट कर लूँ। मैं एक बार लिपस्टिक अच्छे से सेट करने के बाद लिप लाइनर ज़रूर करती हूँ अपने पूरे होंठों पे साइड से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे करने से हमारा जो लिपस्टिक है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब मेरा जो लास्ट काम है वो है मेरा ये कॉम्पैक्ट। तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है बस इतनी छोटी सी चीज़ों से। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैंने फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगाया, कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, तो मैं घर में कोई भी क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो मेरा मेकअप कम्प्लीट हो गया है और ये छोटी सी चीज़ यानी कि मेरी बिंदी ये भी कम्प्लीट हो गई है। अब चलते अपना बाल सेट कर लेते हैं। तो बाल में मैं कंघी पहले ही कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बालों को सेट कर लेती हूँ अच्छे से और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो मेरा मेकअप रेडी है, कैसा लगा आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस छोटी सी चीज़ें हैं, एलोवेरा जेल है, लिपस्टिक है, काजल है, लिप लाइनर है और एक कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट नहीं हो तो आप वाइट टोन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में अगर बेबी है तो जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं खुद यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसमें कोई भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ नहीं की हूँ, तो इसलिए बस यही था मेरा छोटा सा आज का मेकअप ट्यूटोरियल जो कि मैं घर में करती हूँ। और इतनी छोटी सी मेकअप से अगर आप अच्छे दिख सकते हैं तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेकअप करने का। और घर में प्राइमर, कंटूर या फिर कंसीलर, इन सारी चीज़ों की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है क्योंकि हमें घर में नेचुरली रहना ज़्यादा पसंद आता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा हल्का सा मेकअप लुक, कैसा लगा आप लोगों को आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्ट हो सके, मैं भी आप लोगों से जुड़ूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।